नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद नहीं पड़ेगा पछताना, 30 दिनों तक ले सकेंगे ट्रायल। खुद को जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योर करना जल्दी यहाँ पर आसान हो सकता है। दरअसल जो बीमा नियामक संस्थान जो है एड़ा, उसका फोकस पिछले कुछ वक्त से बीमा सेक्टर को ज्यादा पहुंच और ग्राहकों को आसान बनाने पर है। इसके लिए पिछले कुछ वक्त से जो है पॉलिसी को वापस लेने के नियम जो है वो आसान जो है वो किए जा रहे हैं। दरअसल भारतीय बीमा विनिमय विकास प्राधिकरण जो है एड़ा, उसने एक ड्राफ्ट जारी किया है। उस ड्राफ्ट जारी कर बीमा से संबंधित विभिन्न नियमों में कई प्रावधानों को एकत्रित यानी मिलाने उनका मिलान करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं इस मसौदे में जो पॉलिसी धारक जो है उनके हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। किसी भी माध्यम से प्राप्त पॉलिसी के लिए फ्री लुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख 30 दिन की होगी। वह बीमा नियामक ने पॉलिसी वापस लेने के निर्धारित फ्री लुक अवधि को जो है 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने और जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए नामांकन को अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव जो है वो रखा है। मौजूदा समय में कोई बीमा धारक पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों से संतुष्ट ना होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख जो है 15 दिनों की लोकप्रिय अवधि को जो लोकप्रिय अवधि जो है उसके भीतर उससे अलग हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामलों में यह अवधि 30 दिनों की होती है। यानी कि अगर आपने एजेंट से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है लेकिन खरीदने के बाद आपको लगा कि इसमें कई ऐसी शर्तें हैं जो आपको सूट नहीं करती है या फिर आपको पॉलिसी में ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो आप इसे अभी 15 दिनों के भीतर वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर एड़ा का प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो उसको आप 30 दिनों के अंदर जो है वापस कर सकेंगे। 30 दिनों का मौका जो है आप में यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा। बाद हम कहते हैं अगली खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर लगाई है रोक, 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने कितना दिया है चंदा। लोकसभा चुनाव से कुछ यहां पर चुनाव से कुछ महीने पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो है 6 साल पुरानी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखने और जो बॉन्ड की जो गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है, ये स्कीम सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है। अब 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। वही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जो है 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिश करने के लिए कहा है। इस दिन पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। ये फैसला जो है 5 जजों की सर्वसम्मति से यहां पर सुनाया गया है। वह चीफ जस्टिस ने कहा है कि पॉलिटिक्स प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं, वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का भी अधिकार है जिससे मतदान के लिए सही चयन जो है होता है। वह 2018 में से शुरू किया गया, 2018 से अब तक जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल के चुनावी बॉन्ड में भाजपा को जो है 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई है। कांग्रेस को 1,108 करोड़ का चंदा जो है वो मिला है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो साइबर ठगों पर सरकार कसेगी शिकंजा, जल्द आएगी नई गाइडलाइंस। साइबर क्राइम के मामले जो है देश में लगातार बढ़ रहे, ऐसे में भारत सरकार साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम कसने के लिए नई गाइडलाइन तैयार करने वाली है। ऐसे में ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए लोगों को उनका पैसा दिलवाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। नई गाइडलाइंस आने के बाद पैसों के लेनदेन से जुड़ा ऑनलाइन मसले जो है आसानी से सुलझाए जा सकेंगे। इसके लिए जल्दी जो है SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो जारी हो सकता है जिसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जारी करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो अब पेट्रोल डीजल से नहीं, अब हाइड्रोजन गैस से चलेगी गाड़ियां, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। भारत में पेट्रोल डीजल का विकल्प ईंधन तेजी से यहां पर तलाशा जा रहा है और इसके लिए सरकार कई योजनाओं को भी यहां पर अमल जमा पहरा रही है। खबर है कि देश में अब पेट्रोल डीजल की बजाय अब हाइड्रोजन ईंधन से जो है गाड़ियां चलेगी। सरकार ने बुधवार को जो है परिवहन क्षेत्रों के बसों और ट्रकों और 4 पहिया वाले वाहनों में ईंधन के तौर पर हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की दिशा में निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत यहां पर कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से एक जारी बयान में कहा गया कि हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए बनाई गई योजना पर खर्च करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में करीब 496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही सरकार ने परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए बात कब अगली खबर की करते हैं। तो अगली बड़ी खबर देखिए, RBI का बड़ा फैसला, कमर्शियल कार्ड से वेंडर को होने वाले पेमेंट पर लगाई है रोक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड
जो कार्ड पेमेंट गेटवे जैसी वीजा, मास्टर कार्ड और इसके अलावा डेनार को जो कंपनियों द्वारा कमर्शियल कार्ड के इस्तेमाल से वेंडर को दी जाने वाली पेमेंट पर रोक लगा दी है। इसके पीछे वजह जो है कंपनीज की अनदेखी यहाँ पर करना है। कई मर्चेंट कार्ड पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, कई मर्चेंट तो अपनी KYC भी यहाँ पर नहीं करवा रखी है, लेकिन फिर भी जो है पेमेंट कार्ड के जरिए लेते हैं। वही RBI ने कमर्शियल कार्ड के ट्रांजेक्शन पर रोक लगाई है। RBI की तरफ से वीजा और MX और मास्टर कार्ड और इसके अलावा MX को नोटिस जो है जारी किया है। वे KYC के अनदेखी की वजह से रोक लगाई गई है। कमर्शियल कार्ड के जरिए पेमेंट से कॉरपोरेट को रिवॉर्ड और क्रेडिट साइकिल जैसे फायदे जो है वो मिलते हैं। वही कमर्शियल कार्ड पेमेंट में बड़ी कंपनियों और छोटे वेंडर्स के BPSP यहाँ पर होते हैं जो ब्रिज की तरह काम करते हैं। इसे बिजनेस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि इन कमर्शियल कार्ड्स से ऐसे वेंडर्स को पेमेंट किया जा रहा है जो RBI की गाइडलाइन के मुताबिक पेमेंट रिसीव करने को लेकर ऑथराइज्ड नहीं है। ऐसे में अगर ये ट्रांजेक्शन पूरा किया जाता है तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की अवहेलना होगी। बता दें आपको कि कमर्शियल कार्ड को बैंक की तरफ से कॉर्पोरेट जो है उनको ऑफर किया जाता है। मूवमेंट कॉर्पोरेट की तरफ से ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल जैसे कि IMPS, RTGS का इस्तेमाल वेंडर्स को पेमेंट करने में किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और रिटेल बिल का भी जो है पेमेंट किया जाता है। वे फिनटेक की एंट्री के कारण पिछले कुछ सालों में कई तरह की विसंगतियां हो गई। ऐसे में RBI की तरफ से ये एक्शन दिया गया है।